रेपिस्ट की रिहाई रोकने के लिए आधी रात को जागा देश। निर्भया गैंगरेप केस के दोषी नाबालिग की रिहाई रोकने की मांग करती अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। ये फैसला शनिवार रात 2 बजे आया। दिल्ली वुमेन कमीशन की चीफ स्वाति मालीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। तो जब बाहर आ ही जाएगा तो हेयरिंग करो, चाहे जो भी कुछ करो, ये तो एक जनता को गुमराह करने वाली बात है। हिदायत नहीं मानेंगे कीर्ति आजाद, जेटली के खिलाफ करेंगे खुलासा। बीजेपी सांसद आजाद ने ट्वीट करके कहा कि बहरूपीए को बेनकाब किए जाने तक इंतजार कीजिए। उन्होंने ये भी लिखा कि वो DDCA भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। बिहार के कटिहार में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी आम्रपाली एक्सप्रेस। ट्रेन कटिहार से अमृतसर जा रही थी। बताया जा रहा है कि आम्रपाली एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन से युवती ने प्रभु को किया ट्वीट, मंचनों से छूटा पीछा। पटना से नई दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस के कोच नंबर S11 में सवार एक लड़की को जब कुछ मंचनों ने छेड़ा तो उसने ट्वीट कर इसकी शिकायत रेल मंत्री से कर दी। ट्वीट को पढ़कर रेल मंत्री ने भी तुरंत एक्शन लिया। स्पेन की मिरेया रोयो बनी मिस वर्ल्ड। चीन के हेनान द्वीप के ब्यूटी ग्राउंड ग्रैंड थिएटर में ये प्रतियोगिता हुई। खिताब मिस स्पेन मिरेया रोयो ने जीत लिया। इस दौड़ में दूसरे नंबर पर मिस रशिया रही और तीसरा नंबर मिला मिस इंडोनेशिया को। प्रो बॉक्सिंग में विजेंदर ने लगाई जीत की हैट्रिक। बॉक्सर विजेंदर सिंह का पेशेवर बॉक्सिंग धमाल जारी है। उन्होंने अपने तीसरे मैच में विपक्षी समेट हुसैनोव को नॉकआउट कर जीत की हैट्रिक पूरी की। मुकाबला तो 6 राउंड का था पर हुसैनोव दूसरे ही राउंड में नॉकआउट हो गए। मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।